वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। कर दिया, चल पढ़ाओ। तो आज जो कहानी हम पढ़ेंगे, अगर हम उसे नॉवल का दर्जा दे दें तो गलत नहीं होगा। तो इस चैप्टर सॉरी इस नॉवल का नाम है हरिहर काका, और इसके लेखक हैं मिथिलेश्वर। मिथिलेश्वर को जरा भी अकल नहीं है, काका के बाद जी लगाना तो भूल ही गया। लेखक 2 दिन से काका के पास जा रहा था, पर काका कुछ बोल नहीं रहे थे। उनकी तबीयत के बारे में पूछा तो उन्होंने एक बार सर उठाकर देखा, उसके बाद ना देखा ना कुछ बोले। परंतु लेखक उनके सारे दुख कष्ट और मन के हालात समझ लेता है। लेखक का हरिहर काका से बहुत ज्यादा लगाव था, वो उनकी बहुत इज्जत करता था और उन्हें बहुत अच्छे से जानता था, और काका भी उसे अपनी सारी बातें बताया करते थे। माँ ने बताया था कि काका उसे पिता की तरह लाड प्यार करते थे, अपने कंधे पर बिठा के घुमाते थे, अपने बच्चे की तरह मानते थे उसे। और ये शायद इसलिए था क्योंकि हरिहर काका के अपने बच्चे नहीं थे, उन्होंने 2 शादियां की थी लेकिन दोनों बीवी चल बसी। इनके गांव में ठाकुर जी यानी भगवान का एक बहुत बड़ा मंदिर था, और गांव के लोग इस मंदिर को ठाकुर बारी कहते थे। वर्षों पहले गांव में इसी स्थान पर एक संत ने अपनी झोपड़पट्टी बनाई थी। वो पूजा करता रहता, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताता और उन्हें अच्छे काम करने के लिए इंस्पायर भी करता। फिर उधर बना दिया गया मंदिर, और जैसे जैसे गांव बढ़ता गया वो छोटा मंदिर भी एक बड़ा मंदिर बन गया। गांव वालों का विश्वास भी बढ़ता चला गया। जिस भी इंसान का अच्छा काम हो जाता वो सोचता सब ठाकुर जी की कृपा है। अच्छा काम जैसे नौकरी लग जाना, शादी हो जाना, मुकदमा जीत जाना या फिर क्लास में टॉप मार देना। तो जैसे ही कोई बढ़िया काम हो जाता वो कहते अरे ये सब ठाकुर जी की कृपा है, और फिर बदले में वो ठाकुर जी के मंदिर जाकर सोना अनाज रुपए पता नहीं क्या क्या दान कर देते। और जब वो कुछ ज्यादा ही खुश हो जाते तो वो अपनी जमीन का टुकड़ा दे देते। गांव का विकास कम हुआ लेकिन ठाकुर बारी का हजारों गुना ज्यादा हुआ। आसपास के गांव के मंदिर ठाकुर बारी के सामने कुछ भी नहीं थे। धीरे धीरे ठाकुर बारी के पास 20 बीघा जमीन आ गई। तो धार्मिक लोगों ने एक समिति भी बना ली जो ठाकुर बारी की देखरेख के लिए हर 3 साल में एक महंत और एक पुजारी को चुनते थे। तो इनका काम था भगवान के लिए भजन कराना, लोगों के घर में जाकर उन्हें प्रवचन देना और उनके दिलो दिमाग में ये बात बैठा देना कि गांव की ठाकुर बारी सबसे पहले है। चाहे दिवाली का दीपक हो या होली का गुलाल, शादी के लड्डू हो या खेत की पहली फसल का अनाज, वो सबसे पहले मंदिर में ही जाना चाहिए। और लोग करते भी ऐसा थे, सबसे पहले मंदिर में ही भोग लगा के आते। और जो लोग ऐसा नहीं करते वो उनमें भक्ति की भावना पैदा कर देते धर्म के बारे में बता बता कर। गांव वाले अपना खेत और घर का काम निपटाकर अपना सारा फालतू टाइम ठाकुर बारी में ही बिताते। चलो यार, हमारे पास कम से कम टाइम पास करने के लिए टीवी मोबाइल इंटरनेट ये सब तो है, अब ये ठाकुर जी की कृपा नहीं है तो और क्या है। लेखक कहता है कि वो भी कभी कभार चला जाता है लेकिन उसे वहां के साधु संत ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वो भगवान के नाम पर अच्छा खाना हलवा पूड़ी खाते हैं और सारे दिन आराम से पड़े रहते हैं और बातें बनाते रहते हैं।
हरिहर काका भी पहले जाया करते, परंतु उन्होंने ठाकुर बारी में जाना बंद कर दिया। हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। यार मुझे तो अपने हालात पे तरस आ रहा है भाई। मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी मैं आपके लिए मदर्स डे पे कार्ड वगैरह इतनी सारी चीजें आपको देता हूँ, आप मेरे लिए चिल्ड्रंस डे पे क्या करती हो? तो भाइयों उस चिल्ड्रंस डे पे मेरी मम्मी ने मुझे ये किताब दी। थैंक यू सो मच मम्मी। भाई बस वो मेरी लाइफ का लास्ट चिल्ड्रंस डे था। चलो बाय, अब मैं जा रहा हूँ ये किताब पढ़ने। जिसने भी ये किताब लिखी है पक्का अपनी जिंदगी से दुख